झारखंड में कोरोना नियमों की अनदेखी और मास्क न पहनने पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है। झारखंड कैबिनेट ने संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को पारित कर दिया है। इसमें कहा गया है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले और मास्क न पहनने वालों को 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही नए नियम के तहत अगर कोई नियमों का उल्लंघन या मास्क नहीं पहनता है तो उसे 2 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। दरअसल झारखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस वजह से अब सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है। सरकार ने फैसला किया है अब प्राइवेट हॉस्पिटल और बैंकेट हॉल का इस्तेमाल अब आइसोलेशन वार्ड बनाने में किया जाएगा। लेकिन सरकार के इस फैसले का रांची के स्टेशन रोड पर रहने वाले लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार की ओर से कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड रिहायशी इलाकों में बनाया जा रहा है, इस वजह से उनकी जिंदगी खतरे में पड़ गई है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक झारखंड में कुल मरीजों की संख्या 64,485 है, जिसमें 64 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 3,024 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 3,397 एक्टिव केस हैं। न्यूज़ डेस्क।